ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीर मामृतात्। तेरी मेरी कहानी आस्था और विश्वास की एक और कड़ी लेकर हाजिर है आपका दोस्त हेमंत मोहन। आप सभी को हमारा नमस्कार। तेरी मेरी कहानी आस्था और विश्वास की पहली कड़ी में आपने जाना कि लक्ष्मीनाथ बचपन से ही भगवत भक्ति और पूजा पाठ में लगे रहते थे। तंत्र शास्त्र की शिक्षा हासिल करने के बाद पिता के कहने पर उनकी शादी हंसावती से हो जाती है। और अब आगे। परिवार के लोग समझ रहे थे कि शादी कराकर उन्होंने लक्ष्मीनाथ को सांसारिक जीवन में बांध दिया है, पर हुआ उन लोगों की सोच से बिल्कुल विपरीत। पत्नी हंसावती को उन्होंने अपने मन की बात बताई कि अगर वो सांसारिक मोह माया में फंसता है तो उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। हंसावती ने लक्ष्मीनाथ को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है, एक ढाल बनकर, उनके उद्देश्य की राह में ताकत बनकर। हंसावती ने हंसते हंसते उन्हें अपने से दूर होने की अनुमति दे दी। अब तो लक्ष्मीनाथ की राह आसान हो गई थी। तंत्र शास्त्र के वे ज्ञाता तो थे ही, अब योग सीखना चाहते थे। अपने कुछ सखा मित्रों के साथ योग सीखने की जिज्ञासा लिए लक्ष्मीनाथ योग गुरु की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पूरे रास्ते हरि कीर्तन करते हुए वे लोग सफर तय कर रहे थे। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भक्तों की टोली जब नेपाल नरेश के घर की ओर से गुजरने लगी तो सुंदर हरि कीर्तन सुनकर नेपाल नरेश ने उन सभी को सम्मान सहित दरबार में आमंत्रित किया। नरेश ने सभी की उचित अवभगत की। लक्ष्मीनाथ को तंत्र शास्त्र की सारी विद्याएं हासिल हैं ये जानकर नरेश ने उन्हें तंत्र शास्त्र के कुछ चमत्कार दिखाने को कहा, परंतु नरेश के इस आदेश को लक्ष्मीनाथ ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। नरेश को क्रोध आ गया और बड़े ही कड़क आवाज में कहा, बिना कोई चमत्कार दिखाए इस दरबार से तुम बाहर नहीं जा सकते। नरेश की कठोर बात सुनकर लक्ष्मीनाथ ने विनम्र स्वर में कहा, नरेश, तंत्र कोई जादू नहीं है जिसका प्रदर्शन राह चलते कहीं भी किया जाए। अब तो नेपाल नरेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में ही उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा की अवहेलना का मतलब जानते हो? लक्ष्मीनाथ ने बड़े ही सहज भाव से जवाब दिया, जी नरेश, आप राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कारागार में भी डाल सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, अकेले केवल लक्ष्मीनाथ को घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया गया। लक्ष्मीनाथ ने अपने घबराए हुए मित्रों से हंसकर कहा, मेरी चिंता छोड़कर तुम सब अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करो, हम तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। भला हवा को भी कोई रोक सका है क्या? घोड़ों के साथ साथ लक्ष्मीनाथ को भी खाने के लिए पेड़ की पत्तियां दी गईं। सुबह जब नरेश के आदमी अस्तबल में आए तो अस्तबल वैसे का वैसे बंद था, किंतु लक्ष्मीनाथ का कहीं कोई अता पता नहीं था और पूरा अस्तबल घोड़े की लीद से भरा पड़ा था। नेपाल नरेश को जब यह बात पता चली तब उन्हें एहसास हुआ कि लक्ष्मीनाथ कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। लक्ष्मीनाथ को सम्मान सहित दोबारा दरबार में बुलाने की योजना बनाई जाने लगी। इधर जब लक्ष्मीनाथ के सहयात्री सखा अपने गंतव्य पर पहुंचे तो लक्ष्मीनाथ को पहले से वहां देखकर चौंक गए। इस बारे में मित्रों के सवाल लक्ष्मीनाथ हंसकर टाल गए। लक्ष्मीनाथ वहां से काठमांडू पहुंचे। अपने मित्रों के साथ बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन, पूजन और अर्चन किया। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन से उन्हें असीम सुख की प्राप्ति हुई। दर्शन उपरांत वे लोग बागमती नदी पार कर मृगस्थली के जंगल की ओर चल दिए। एक अप्रिय घटना के पश्चात लक्ष्मीनाथ के सभी साथी तितर बितर हो गए। अब लक्ष्मीनाथ अकेले ही योग गुरु की तलाश में
इधर उधर भटकने लगे। थक हार कर लक्ष्मीनाथ एक पेड़ के नीचे सो गए। जब आँख खुली तो सन्यासी लंबानाथ को अपने सामने पाया। लंबानाथ जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। लक्ष्मीनाथ ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी योग सीखने की इच्छा जाहिर की। यहीं पर लक्ष्मीनाथ को तपस्यारत गुरु गोरखनाथ के भी दर्शन होते हैं। गुरु लंबानाथ के सानिध्य में कठिन तप कर लक्ष्मीनाथ ने 6 माह के अंदर ही योग के सारे गुर सीख लिए। योगिक क्रिया में माहिर हो जाने के बाद गुरु ने उन्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने का आदेश दिया। साथ में उन्हें ये भी नसीहत दी कि इस क्रिया का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करना है, जिन्हें लक्ष्मीनाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु जी ने लक्ष्मीनाथ को आसन की मुद्रा में बैठने को कहा। लक्ष्मीनाथ ने वैसा ही किया। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक निर्जन वन में शिव मंदिर के पास पाया। यहीं रहकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने की सोची। फिर मंदिर से सटे एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन तप करके उन्होंने सिद्धि के सारे आयाम को पार करते हुए अष्ट सिद्धि प्राप्त की। ये जगह ही आज मधुबनी जिले में अवस्थित रहुआ संग्राम का पारसमणि मंदिर है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात लक्ष्मीनाथ बाबा पारसमणि का ध्यान कर जन कल्याण हेतु वहां से निकल पड़े। लोगों में भगवत भक्ति का अलख जगाने के लिए उन्होंने मिथिलांचल सहित नेपाल में कई जगह कुटिया बनवाई और ठाकुरबाड़ी का निर्माण करवाया। लखनौर, फटकी, रमौली, सिंधिया, बनगांव, शकरपुरा जैसे तमाम जगहों पर बाबा की कुटिया है। लक्ष्मीनाथ लोगों में भगवत भक्ति का अलख जगाते और संध्या काल में ठाकुरबाड़ी में हरि कीर्तन करवाया करते। नित्य दिन एक नए भजन बनाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की। आज भी उनके द्वारा बनाए भजन गीतावली के रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विवेक रत्नावली के रूप में एक ऐसे दोहे के पुस्तक का निर्माण किया जिसमें राम कृष्ण के गुणगान से लेकर जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का जिक्र है। इसके बाद भी योग सार समुच्चय, अकुलागम तंत्र, बंदी मोचन सहित मोह मुद्गर इत्यादि पुस्तक की रचना भी लक्ष्मीनाथ जी ने की। इनकी लिखी पुस्तकों के एक अंश भी हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएगा। बाबा लक्ष्मीनाथ सामाजिक समरसता की बातें भी करते थे। उनके शिष्यों में हिंदू धर्म के अलावा ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग भी शामिल थे। वर्तमान में सहरसा जिले का बनगांव बाबा जी की कर्म भूमि रही। जाति और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए बाबा लक्ष्मीनाथ ने बनगांव में विशेष ढंग से होली खेलने की परंपरा शुरू की। बाबा लक्ष्मीनाथ जी द्वारा आरंभ की गई सामाजिक समरसता की यह परंपरा आज भी कायम है। बनगांव की होली विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 210 साल पुरानी इस परंपरा को देखने और इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। जीवन में योग के महत्व को भी बाबा जी लोगों को बताते। लक्ष्मीनाथ गोसाई के सत्कर्मों और अद्भुत चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें शब्दों में बता पाना बेहद कठिन है। नेपाल नरेश के बंदीगृह से बाहर निकलना, रास्ते में धूल से खीर बनवाकर नागा साधु को खिलाना, मृत गाय को पुनः जीवित कर देना, ठेंगहा नदी को चलकर पार कर जाना, बंद जगन्नाथ मंदिर के पट खुलवाना, एक ही समय में 2 लोगों के निमंत्रण में शामिल होना सहित अनेकानेक ऐसे किस्से हैं जिसे लोग बड़े चाव से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। अपने शरीर त्याग का निर्धारण बाबा लक्ष्मीनाथ ने अपनी स्वेच्छा से तय समय पर किया। तभी तो उन्होंने शरीर त्यागने से पहले अपने परम प्रिय अंग्रेज शिष्य जॉन को बनगांव कुटी की जिम्मेदारी सौंपकर फेटकी कुटी की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने विवाह पंचमी के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा लक्ष्मीनाथ जी के आदर्श आज भी सर्वमान्य है। देखना हो तो पधारिए कभी बाबा की कुटिया में। तो दोस्तों, तेरी मेरी कहानी आस्था और विश्वास में आप सुन रहे थे संत लक्ष्मीनाथ गोसाई की जीवनी
और कृति के बारे में। आस्था और विश्वास की ये परंपरा यूं ही चलती रहेगी। ईश्वर आपका सदैव कल्याण करें। ओम शांति। सुमिरी सुमिरी नर उतरा।